हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल चीज़ सैंडविच, और वो भी तवे पर। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमने लिया है 5 बॉइल्ड आलू, जिन्हें हमने पील कर लिया है। इसके बाद कुछ ब्रेड स्लाइसेस, यहाँ हमने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बीट रूट, जिसे हमने बॉईल करके पतला पतला कट कर लिया है। इसके बाद आधी कटोरी बारीक कटी हुई पालक, आधी कटोरी ग्रेट किया हुआ गाजर, यहाँ लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, इसके बाद थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी फ्रेश धनिया टेस्ट के लिए, 2 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसके बाद कुछ चीज़ स्लाइसेस, मसालों में आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वादानुसार, और यहाँ हमने लिया है पिज़्ज़ा मसाला 2 बड़े चम्मच। पिज़्ज़ा मसाला अवेलेबल ना हो तो आप मिक्स्ड हर्ब्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम सैंडविच की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में ये सारे आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू मैश होके तैयार है, अब इसमें डालेंगे प्याज, इसके बाद डालेंगे पालक, ग्रेट किया हुआ गाजर। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला और साथ ही में फ्रेश धनिया। अब फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे सैंडविच की फिलिंग बनकर तैयार है, तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस, इन पे लगाएंगे बटर, अब थोड़ी सी फिलिंग लेके अच्छे से ब्रेड पर स्प्रेड कर लेंगे। अब रखेंगे बीट रूट के स्लाइसेस, इसके बाद रखेंगे चीज स्लाइस। अब ये पिज़्ज़ा मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। पिज़्ज़ा मसाला से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और अब ये दूसरी ब्रेड स्लाइस जाएगी इसके ऊपर। दूसरी ओर तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया था, तो तवा गरम हो चुका है। इस पे थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लेंगे और इस पे जाएगा हमारा ब्रेड सैंडविच। ब्रेड को दोनों साइड से अच्छा टोस्ट कर लेंगे। ब्रेड हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन टोस्ट हो चुकी है, और अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, फटाफट एकदम हेल्दी और टेस्टी वेज चीज़ सैंडविच बनकर तैयार है। इसे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।